नमस्कार आदाब आप हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बीजेपी आरएसएस जिस तरह से 2019 इलेक्शंस के इलेक्शन मोड में आ गई है और जिस तरीके से ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है देश के समाज में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिलेश जी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत सर आ, तो पहला सवाल तो यही कि आ, हाल ही में अलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है तो इसके बारे में आपका आ, क्या ख्याल है कि क्या क्या वजह रही होगी कि ऐसा किया गया है देखिए मैं समझता हूँ कि जो आप पोलराइजेशन की बात 2019 के मद्देनज़र कर रही हैं वो तो अपनी जगह है लेकिन मैं इस तरह के नामकरण की व्यर्थता और मूर्खता पर बात करना चाहता हूँ देखिए ये बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये उसी तरह का आ, नामकरण है जैसे मद्रास का चेन्नई हो गया या कलकत्ता का कोलकाता हो गया ये ऐसा नहीं है उन जगहों पर जो नामकरण चेंज हुए मैंने बहुत सारा ये कंपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी आ रहा है भाई उस समय तो कहा गया तो आपने क्यों नहीं कहा उस समय भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे ऐसा नहीं कि नहीं उठाया था लोगों ने लेकिन उसमें और इसमें एक बुनियादी फर्क है ये बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो अखिल भारतीय स्तर पर है आर जो है इनका एजेंडा हिंदी हार्टलैंड में खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के काम जो फित माने हैं इस तरह के काम करने का इनकी बड़ी लंबी परियोजना है अभी ये इलाहाबाद को उठाया है क्योंकि वहाँ कुंभ शुरू होने वाला है बहुत जल्दी कुंभ में इनका मकसद है कि कुंभ को एक सांस्कृतिक एक आध्यात्मिक एक धार्मिक उत्सव होने दिया जाए उसको पूरी तरह राजनीतिक फ़ायदे में तब्दील कर दिया जाए इसलिए वो जानबूझकर उसके बजटरी एलोकेशन का भी बहुत प्रचार कर रहे हैं कि इतिहास में पहली बार इतना हो रहा है चार हज़ार पाँच हज़ार करोड़ या पंद्रह हज़ार करोड़ को ये भी बता रहा है कि टोटल जो बजटरी एलोकेशन है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं और अगर मिला दिया जाए तो इतने हज़ार करोड़ हो जाएगा हैं अब अलग बात है कि उसी उत्तर प्रदेश में स्कूलों के लिए पैसा नहीं है प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं कोलैप्स कर रहे हैं अस्पतालों का हाल कितना बुरा है मुख्यमंत्री के अपने जिले में आप देख चुकी हैं कि कैसे बच्चे मर गए ये उस प्रदेश की कहानी है मैं धार्मिक उत्सवों पर पैसे खर्च करने को गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप बार बार ये बता रहे हो कि अभूतपूर्व बजट री लोकेशन इस बार है उस पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो इनकी जो मंशा है कि इसको कैसे कम्युनलाइज किया जाए हर इशू को उसमें नामकरण भी एक है इनका अगला मकसद क्या है केवल इलाहाबाद तक ही टिकने वाले नहीं है यह आजमगढ़ आजमगढ़ का नाम इन्हीं की सेना हिंदू सेना या क्या नाम है वाहिनी यह ऑलरेडी आर्यमगढ़ बताती है उसका बोर्ड पर नाम दर्ज हुआ है हर जगह आर्यमगढ़ 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 गाजीपुर जिला है बहुत पुराना जहां के राही मासूम रजा थे और एक ऐसा मशहूर जिला जो इतिहास में काफ़ी कई कारणों से मशहूर है लॉर्ड कार्नवालिस के कारण मशहूर है लॉर्ड कार्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट कराते कराते वहीं जा कर के उनका निधन हुआ था उस गाजीपुर का नाम गाधीपुरी करने का इनका इरादा है यह भी इन्होंने बता रखा है मिर्जापुर का भी नाम बदल रहे हैं मिर्ज़ापुर नाम है तो हर उस विरासत को हर उस ऐतिहासिकता को ये दफन कर देना चाहते हैं जो हमारे भारतीय समाज की एक असलियत रही है हम कैसे इसको ख़त्म करेंगे कि यहाँ पर कभी मुगलों का शासन था कभी ब्रिटिशर्स का शासन था हम इतिहास को नहीं मिटा सकते तो इलाहाबाद के पीछे इनका मकसद यही है कि जबकि इलाहाबाद की जनता इलाहाबाद चाहती है प्रयागराज करना ये कहते हैं कि नहीं ये तो नाम था अरे भाई आप इतिहास भी तो देखिए इतिहास में प्रयाग का क्या मतलब है इलाहाबाद का क्या मतलब है कब ये नाम नामकरण हुआ तो ये इसका मतलब है इस जैसे कि आपने ध्रुवीकरण के बारे में बात की तो एक इसी तरह का एक और मुद्दा जिस एक धार्मिक मुद्दा जिसका राजनीतिकरण करा जा रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है सबरीमाला के पूरे इशू में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग दरअसल और इसी से पहले जब तीन तलाक का मुद्दा आया था तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात आई कि वे हम महिलाओं की बराबरी के लिए ये सब कर रहे हैं लेकिन जहाँ सबरीमाला की बात आती है तो आप वो महिलाओं की बराबरी भूल जाते हैं देखिए शबरी का जो मुद्दा है वो बड़ा दिलचस्प है शबरीमाला में शबरी माला में जो मीडिया है खासकर नॉर्थ इंडियन या नेशनल मीडिया अपने को कहने वाला वह भी तथ्यों को तोड़ मोड़ कर गलत पेश कर रहा है सियासत के जो लोग हैं वो भी गलत पेश कर रहे हैं Uh, अब ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उसको हेल किया उसको उसका स्वागत किया था वहां आरएसएस का एक मुखपत्र है केरला में उसका नाम है जन्मभूमि जन्मभूमि में बायदे लेख छाप करके कहा गया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला है यह स्वागत योग्य है ऑल ऑफ सडन अचानक बदल गए क्योंकि किसी मूर्ति महोदय ने या किसी उनके सिद्धांतकार ने कहा कि इस मुद्दे को ज़रूर उठाया जाना चाहिए आरएसएस के बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि केरल में अगर हमको घुसपैठ बनानी है राजनीतिक तौर पे तो ये अच्छा मुद्दा है इसको हम बुना सकते हैं देखिए केरल में आरएसएस बीजेपी बहुत वर्षों से घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको वहाँ की जनता लगातार खारिज कर रही थी तमाम खराबा, तमाम हिंसा की वारदात जो वो लगातार करते थे खासकर कर कन्नूर में तो वो वहीं तक हिंसा तक सिमटे हुए थे एक आध उनको सफलता भी इसमें मिली लेकिन ओवरऑल लोगों ने खारिज किया उनको ये लगता है कि हम केरल में फिर कोई एक अयोध्या जैसा मुद्दा उठा दें तो ये शबरीमला में उनको लगा कि इससे हम केरल जो देश का एक बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत विकसित और विकसित सही मामले में मानव विकास सूचकांक की नज़रिए से भी अगर देखें तो केरल बेहतर राज्यों में से एक है वह, वहाँ पर जो <coughs> इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के वो बेहतरीन हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा यही थी कि इसको हम एक ऐसा कम्युनल एजेंडा केरल में हम तलाशें जिससे कि हमको वहाँ घुसपैठ का मौका मिले शबरीमला में उन्होंने जैसे ही पैंतरा बदला मुझे लगा कि ये वो आ, इस तरह की बात वो खोज रहे हैं ये कह रहे हैं कि हिंदू परंपरा है सदियों की कि वहाँ महिलाएं नहीं जाती रही हैं दस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की महिलाओं का प्रवेश शबरीमला मंदिर में निषिद्ध रहा है ये सरासर झूठ है और मजे की बात है कि नॉर्थ इंडिया का जो मीडिया है और कॉल्ड नेशनल मीडिया वो भी यही बात कह रहा है बिल्कुल ये परंपरा लंबी पुरानी नहीं है उन्नीस तक महिलाएं बाकायदा 10 से लेकर 50 वर्ष की भी महिलाएं वहां पर जाती रही हैं ये उन्नीस में इस तरह की पाबंदी शुरू कराई गई देखिए इसके पहले भी वहां महिलाएं जाती रही हैं हम अनेक ऐसे लोगों को जानते हैं केरल के बड़े अफसरों के जो बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने भोजन ग्रहण किया था तो वो उसी मंदिर में उनकी माँ लेकर गई थी तो वहाँ औरतें जाती रही हैं और ये बाद के दिनों का डेवलपमेंट है वो काफ़ी वहाँ पर विवाद चला था और अनर्गल विवाद भी चले थे उसकी वजह से कुछ लोगों ने ये सब किया तो ये कहना कि सदियों पुरानी हिंदू रीति है ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी और आप बताइए जो भारत सरकार है वो यूनाइटेड नेशन में जो तय करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल जिसमें सत्रह एजेंडे हैं उसमें एक एजेंडा जेंडर इक्वेलिटी का है यानी लिंग समानता यानी स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव खत्म करना ये हमने शामिल की हम हम उसमें बाकायदे उसके समर्थक हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में जेंडर इक्वेलिटी का जो मुद्दा है जो ऊपर के पाँच या छः नंबर पर है उसको हम शबरीमला में दफन कर रहे हैं ये कैसी हास्यास्पद बात है तीन तलाक आपने बिल्कुल सही सा कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं हम कि उनको एक बराबरी आ जाए कमाल की बराबरी है और हिंदू महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे दलितों को पहले प्रवेश नहीं करने दे रहे थे अब उनको नहीं कर रहे हैं देखिए केरल में दलितों के लिए स्त्रियों के लिए बड़े सामाजिक सुधार के आंदोलन चले हैं श्रीनारायण गुरु अयंकली तो ये तमाम जो बड़े समाज सुधारक थे आ, पिछड़े वर्गों के दलित वर्गों के उत्पीड़ित समाजों के और बाद में वामपंथी आंदोलन ने भी इस समाज सुधार आंदोलन की ट्रेडिशन के राजनीतिक एक तरह से कंटेंट को और आगे बढ़ाया और उसने शिक्षा में सुधार किया उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया जब वहाँ वाम सरकारें आई लैंड रिफॉर्म्स किया तो इन तमाम कारणों से समाज में एक बराबरी आई और मैं समझता हूँ कि एक बेहतर बराबरी का माहौल बना और यही कारण है केरला के समाज को खूबसूरत करना एक ज़माने में केरला के समाज को विवेकानंद ने कहा था कि ये ल्यूनिटिक लूनिटिक एसाइलम है पागलखाना है उस दौर में जब बहुत बुरी स्थिति वहाँ थी जब उत्पीड़ित समाज के लोगों को बहुत उदंड ढंग से उनको परेशान किया जाता था दलित महिलाओं को कहा जाता था कि वे अपने स्तन पर कपड़े नहीं रख सकती हैं लेकिन उस केरल में इतने बड़े समाज सुधार आंदोलन हुए और राजनीतिक आंदोलनों का परिणाम हुआ कि उस समाज में बराबरी आई और काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह बराबरी आ गई लेकिन अगर बहुत सारे यूरोपीय समाजों को और आप देखें और केरल के समाज को देखें तो आपको काफ़ी समानता दिखती है भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले तो उस राज्य को मुझे लगता है फिर ये लोग बहुत बुरी स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यजनक है ये जो ध्रुवीकरण जिस तरीके से चल रहा है इसको सीधे तौर पर हम दो से जोड़ कर देख सकते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के पास दरअसल कोई पिछली बार जब वो 2014 में लड़े थे तो उनके लिए विकास मुद्दा था उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था लेकिन इस बार वो सारी चीज आपकी बिल्कुल सही बात है और पिछला चुनाव उन्होंने विकास सबका साथ सबका विकास आ, फिर ये कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आ, ब्लैक मनी बाहर आ, सब लाएंगे पंद्रह पंद्रह लाख सबके पॉकेट में चला जाएगा आई मीन कमाल की बातें उन्होंने करी थी और अब उन बातों को वो टच नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि ब्लैक मनी नहीं आई क्यों क्योंकि नोटबंदी हो गई नोटबंदी में कितनी इकॉनमी बर्बाद हुई कितने लोग बेरोजगार हुए जो उपक्रम है छोटे छोटे मझोले उपक्रम भारत के वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोलेप्स कर गए आप भ्रष्टाचार की बात करते थे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो पहले की चेयरमैन है चेयरपर्सन है वो एक प्राइवेट कंपनी में निदेशक बन गई हैं वो लोकपाल नियुक्त करने वाली कमेटी की सर्च कमेटी में भी हैं आई मीन आप देखिए जितने पैसा लेकर के बैंकों का हजम कर गए नहीं देने को तैयार है वो भाग गए विदेश और भाग क्या गए आपके मंत्रियों से के भाग रहे हैं यह भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है यह भी देखा गया है कि मंत्रियों से मिल रहे हैं और अगले दिन जहाज पे उड़ के 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 बाहर चले जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार मामले में में और रफाल रफाल का मामला मैं रफाल के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि किस पर कितना भ्रष्टाचार का मामला है लेकिन सफाई सरकार की तरफ से नहीं आ रही है अब तो रफाल कंपनी ने भी साफ कर दिया है कि भई हमें कहा गया था कि एक प्राइवेट कंपनी को आपको तरजीह देनी होगी तो हमारा यह कहना है कि इन चीज़ों पर सरकार पूरी तरह विफल है जीएसटी का मुद्दा हो कश्मीर को देख लीजिए आप देख लीजिए मुठभेड़ हत्याएं जिस तरह से हो रही हैं तो इनको लगा कि अब हम विकास के नाम पर हालांकि विकास का वो भी नारा झूठा था लेकिन अब उनको लगता है कि हम ये झूठ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते और यही कारण है कि पूरे समाज को कम्युनलाइज करना एक निकृष्ट कोटि का कमलाइजेशन एक अमानवीय किस्म का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और आश्चर्य है कि अज्ञानता पर आधारित जैसे यही कहना कि भाई शबरीमला में सदियों पुरानी परंपरा बिल्कुल झूठ है यह भी कहना कि महिलाएं जाएंगी तो अयप्पा भगवान का ब्रह्मचर्य टूट जाएगा अरे कमाल के भगवान आपके हैं उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है महिलाओं को देखकर I mean, किस तरह की बात करते हैं आप भगवान को भी अपमानित कर रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अपमानित नहीं कर रहे हैं आप आप भगवान को अपमानित कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही निकृष्ट कोटि का पोलराइजेशन है और 2019 में अगर भारत की जनता को अंधेरे में अंधविश्वास में और अज्ञानता में डूबोना है तो वो ये एजेंडा इनका सक्सेसफुल होगा वरना देश की जनता अगर ज्ञान के साथ विवेक के साथ खड़ी होगी तो इसे हरगिज खारिज करना चाहिए ये मेरे लिए या किसी के लिए भी राजनीतिक सवाल नहीं है इस देश की जो सामासिकता है इस देश का जो लोकतंत्र है इस देश का जो सेकुलरिज्म है इस देश का जो वजूद है उसको बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की सियासत को तो खारिज किया जाए हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद